एक्सरसाइज 3.3 मेन है, दोनों में कन्फ्यूजन है। टेंथ वाला बोल रहे, ट्वेल्थों में कुछ ऐसे चल रहा है, उसमें है 5.1। कहाँ तक बता दिए थे याद तो ने? क्वेश्चन नंबर नहीं, 6 तक कैसे बताएंगे, इससे थोड़ा होता है। या तो 5 तक बताएंगे, या नहीं तो फिर एक के बाद डायरेक्ट 11 तक लेके आ जाएंगे, या 10 तक, 5 तक। छठा वो तो देखो अलग बात है कि हम उस दिन बता दिए थे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन है, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई घटाओ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर साबित करना है साइन एक्स प्लस वाई, इतना प्रूफ करना है। इतना प्रूफ करना मान लो ना इस सिचुएशन में कि जहाँ पाई बाई 4 माइनस एक्स है ना, ये मान लेते हैं ए, और पाई बाई 4 माइनस वाई जो है उबला बी है, तो ऐसने पाई बाई 4 माइनस एक्स इधर भी है मतलब ए है, और यही पाई बाई 4 माइनस वाई उधर भी है मतलब बी है। यानी अगर मान के भी चलते हैं कि हम ए मान लेते हैं, मान लेते हैं माना कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर ए मानिए लेते हैं, और जहाँ जहाँ पाई बाई 4 माइनस वाई दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ बी बैठाएंगे, तो जहाँ जहाँ पाई बाई 4 माइनस एक्स है वहाँ वहाँ ए रख देना है, जहाँ जहाँ पाई बाई 4 माइनस वाई है मतलब ऐसा का है वो जहाँ पे बी रख देना, तो रखिए देते हैं से पता चले कि फॉर्मूला कौची है। पहले तो कॉस, और इतना तो मान लिए थे कि ए है तो कॉस ए इंटू कॉस, इतना तो मान लिए कि बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन, अभी तो पूरा मान लिए कि है तो साइन ए इंटू साइन, वो पूरा मान लिए बी है, उतना तो खैर साबित करना ही कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड है। अब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, तो ए मने ए आ प्लस बी मने बी। हालांकि हम अगर देखें कि ए मने कितना, मतलब ए मने हम कितना माने, ए मतलब है पाई बाय 4 माइनस एक्स आ प्लस बी मने है पाई बाय 4 आ माइनस में वाई, वो जो भी साबित करना है हो जाएगा। यहाँ से कॉस पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, यहाँ भी 45 वहाँ भी 45 दोनों एक साथ रख देंगे तो बोलेंगे कि 45 45 दोनों जोड़ के हो गया 90 डिग्री पाई बाई 2। माइनस माइनस अगर कॉमन ले ले, यहाँ से भी माइनस वहाँ से भी माइनस कॉमन, तो बचेगा x, और प्लस यहाँ से बचेगा वाई, फिर 90 मान के चलते हैं कि 90 है कॉस 90 और माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा, साइन और थीटा मतलब कितना, से कॉस 90 ये पूरा पूरा थीटा मान लिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा मतलब एक्स प्लस वाई, इतने तो प्रूफ करना था। उतारो यही साबित करना था छठा।
क्वेश्चन नंबर सेवन, सातवा, इतना जगह काफी है। सातवा नंबर में है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बटा में टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बराबर जितना साबित करना है, साबित करना है वन प्लस टेन एक्स और बटा वन माइनस टेन एक्स पूरे के होल स्क्वायर, इतना प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पहले दे ही वाला टेन ए प्लस बी, ए मैने पाई बाई फोर और प्लस बी मैने एक्स, तो टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए, टेन ए मतलब टेन पाई बाई फोर इंटू टेन बी यानी कि टेन एक्स, तो हो गया टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला। नीचे टेन ए माइनस बी के फॉर्मूला, तो टेन ए माइनस बी के फॉर्मूला टेन ए घटाओ टेन बी बटा वन प्लस टेन ए मतलब टेन पाई बाई फोर इंटू टेन बी यानी कि टेन एक्स। अब जितना मान है वहीं रख देते हैं, टेन पाई बाई फोर के मान एक, तो एक लिख दो अब प्लस में टेन एक्स। ठीक है, और बटा इधर देखते हैं एक है तो ये कहीं रहे दो अब माइनस में, ये तो ऐसे भी टेन पाई बाई फोर के मान वन हो जाएगा, तो बचा कौच टेन एक्स बटा उसमें भी नीचे देखते हैं, नीचे क्या मतलब टेन पाई बाई फोर यानी वन माइनस ये तो टेन एक्स जस के तस, नीचे बताइए क्या लिखें, वन तो वन है और टेन पाई बाई फोर के माने से भी वन, टेन पैंतालीस के मान वन, तो वन आ प्लस टेन एक्स। अब ऐसे लिखो या तो अगर उतना बार समझ आता है तो जब से नीचे सबसे नीचे है ना उस सबसे ऊपर, मतलब उतना था पता चलता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, मतलब बोलो ना कि वन प्लस टेन एक्स के होल स्क्वायर, तो वैसे ही नीचे सोचो कि वन माइनस टेन एक्स है और ये भी तो नीचे है वन माइनस, कितना के नहीं पता चलता है तो फिर क्या करे, कुछ नहीं कर सकता, वो भागा में लिखेगा इतना, फिर गुना में पलटेगा, फिर बदलेगा, ऐसे जिसको समझ में आता है वो समझ सकता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बाकी दोनों नीचे, तो वन माइनस टेन एक्स के होल स्क्वायर। अब दोनों पे अलग अलग होल स्क्वायर का है लिख रहे हैं, वन प्लस टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स, तो ऐसे का ही लिखता है, आप एक काम करो कि वन प्लस टेन एक्स बटा वन माइनस टेन एक्स दोनों को मिला जुला के होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। एजा पे कितना था पता नहीं चलता बता देते, एजा यहाँ यहाँ एजा कई गो के गड़बड़ी हो जाता है, तो इरा ऐसे लिखो ना भाई कि वन प्लस टेन एक्स बटा में वन माइनस टेन एक्स, और ई जो नीचे देख रहे इसको लिखो ना भागा, बटा मतलब भागा, बटा मतलब भागा, कितना वन माइनस टेन एक्स बटा में वन प्लस टेन एक्स, फिर कोची करेंगे भागा से गुना में बदलेंगे ना, तो जैसे ही गुना में बदलेंगे जो नीचे है वो कहने चल जाएगा, यानी वन प्लस टेन एक्स मतलब ऐसे हो गया कि वन प्लस टेन एक्स बटा वन माइनस टेन एक्स, ये उसके लिए जरा एकदम दिमाग नहीं काम करता, तो गुना में जैसे ही बदले ये ऊपर चल जाएगा, मतलब ऊपर कौन चल गया वन प्लस टेन एक्स और नीचे में कौन हो गया वन माइनस टेन एक्स। हालांकि सब सब नौवा दसवा वाला ठीक लगता है, तू सब तो डायरेक्ट ऐसे लिखो साबित।
छठा हो गया, सातवां हो गया, क्वेश्चन नंबर आठवां। एट में है कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटा में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर में साबित कितना करना है, कॉट स्क्वायर एक्स, इतना प्रूफ करना है। देखो जितना प्रूफ करना, लेफ्ट हैंड साइड कॉस 180 पे, इतना तो समझ में आता है कि कॉस 180 पे नहीं बदलाएगा, कॉस 180 पे नहीं बदलाएगा, तो कॉस एक्स ही रहेगा, लेकिन माइनस में अवेजा माइनस काहे दे दिए, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 से ज़्यादा थर्ड, और थर्ड कॉस के घर ने, इसलिए माइनस में गुने, यहाँ बताना है कॉस वो तो माइनस में है, तो अगर माइनसों में रहेगा ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस के ही होता है, इसलिए प्लस बटा नीचे बोलना है। साइन पाई पे तो खैर नहीं है बदलाएगा, साइन पाई पे नहीं बदलाता है, तो खैर ये तो साइन एक्स, साइन पाई पे नहीं बदलाता है, इसलिए साइन एक्स प्लस में कि माइनस में, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट ऐसे भी इसी के घर है, तो ऐसे ही रह जाएगा, गुने कॉस 90, पहले नंबर तो कॉस 90 बदलो, कॉस 90 हो जाएगा साइन एक्स, प्लस में या माइनस में, कंफ्यूजन है ना कि प्लस में कि माइनस में, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये 90 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, हम निकाल दिए किसका मान, ई कायल देख रहा है साइन, ये जान देखो हम किसका मान निकाल रहे थे, कॉस के ने, तो प्लस होगा या माइनस होगा, अरे सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस के घर ने है, जिसका भी इसका घर ने है, तो नहीं है तो माइनस लगा, फिलहाल माइनस है माइनस खत्म, और कॉस कॉस दो बार, तो डायरेक्ट बोलो ना कि कॉस स्क्वायर एक्स, साइन साइन दो बार, तो एक काम कीजिए डायरेक्ट बोलो ना कि साइन स्क्वायर एक्स, अब कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ऐसे कहा लिखते हैं, एक बार बोलिए ना कि कॉट स्क्वायर एक्स, अब प्रूफ भी तो यही करना था, कॉट स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 वो भी वैसे ही है, कॉस 3π/2 प्लस एक्स है, 3π/2 माने 270 डिग्री, नौवां नंबर, कॉस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स, और इस सभी मिलके जो भी आया है बाहर में उसको गुना करना है, cot 3π/2 माइनस एक्स और प्लस cot 2π प्लस एक्स बराबर में साबित करना है, एक इतना प्रूफ करना कि एक होगा, देखो 3π/2 मतलब पहले समझ में आना चाहिए कि कई डिग्री है, ऐसे तो रेडियन में, पाई बटा दो मतलब ऐसे भी 90 डिग्री, और 90 गुने 3 तो 270 हो जाएगा, तो कॉस 270 पे तो खैर चेंज होना ही होना है, किस में साइन हो जाएगा,
और वो भी साइन एक्स, प्लस या माइनस वो बाद की चीज़ है। अब भले सोचेंगे प्लस दे या माइनस दें, क्या दे, 270 से भी ज़्यादा, 270 यही नहीं आता है, 270 ये 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, हम तो कह रहे हैं 270 से भी ज़्यादा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट घरे है किसका, कॉस के, इसलिए जो भी निकाले वो कैसन होगा, प्लस में गुने, वहाँ बताइए कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई पे तो खैर नहीं है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री पे नहीं है चेंज होता है, तो कॉस एक से ही रह जाएगा। और 2 पाई मतलब समझ रहे हैं कि फिर से घुमा फिरा के आप किस में चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस ही होगा। अंदर बताना है कि अंदर कितना होगा, यहाँ देखे तो 270 डिग्री, तो पहले तो कॉट बदलेगा, पहले तो कॉट बदलेगा, हो जाएगा टेन एक्स, प्लस माइनस बाद में देखेंगे, फिलहाल ये समझ में आता है कि 270 डिग्री है, तो 270 पे जैसे कॉस बदला गया साइन में, वैसे ही कॉट बदला जाएगा टेन में, बदलाता किस किस पे है तो याद रखना, एगो 90 डिग्री पे और एगो 270 डिग्री पे, तो 90 डिग्री तो खैर है ये नहीं है, कहीं तो होगा 90 डिग्री, एजा देखो था यहाँ पर कॉस 90, तो कॉस 90 है तो यहाँ देखिए कॉस बदला गया किस में, साइन में, तो 90 पे और 270 पे चेंज होगा, तो फिलहाल तो 270 टेन एक्स हो गया, प्लस माइनस में वो अब सोचना कि 270 से कम, यानी थर्ड क्वाड्रेंट ने, थर्ड तो घरे किसका, टेन के भी और कॉट के भी, तो हम निकाल रहे हैं कॉट के माने, इसलिए प्लस से समझो, प्लस वहाँ बताइए कॉट 2 पाई पे तो खैर चेंज होने वाला नहीं है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, और 2 पाई प्लस एक्स मतलब समझ रहे हैं 360 से भी ज़्यादा, तो फिर से घुमा फिरा के कहाँ चल गए, तो 200 मतलब 360 पे तो चेंज होगा नहीं, कॉट एक्स, अब सबको चेंज कर दो, जैसे इधर साइन एक्स और गुने में कॉस एक्स, एक काम कीजिए कि वैसे ही कोशिश करो कि टेन एक्स को लिखो साइन एक्स और बटा में कॉस एक्स, और प्लस कॉट एक्स को लिखो कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, एक काम करो ये जैसे दिखाई दे रहा है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स छोड़ दो, उधर भी इनके जोड़ बना लो, साइन इधर गुना हो जा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस उधर गुना हो जाओ कॉस स्क्वायर एक्स बटा में बोलो, हाँ कॉस एक्स और इंटू में साइन एक्स, हालांकि जो नीचे लिखे हैं ना ये दोनों इधर वाला से कट जाएगा, अब बाकी जो बचल है ना वो भी नहीं है बचेगा, क्योंकि उसका मान एक साबित, यही तो करना था, हो गया एक प्रूफ उतारिए, यही तो साबित करना था कि एक होगा, इसमें देखा है देता है धुंधला नहीं ना है, देख लेना 10 नंबर में है साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स और साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस में कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस एन प्लस 2 इंटू एक्स बराबर साबित करना है कॉस एक्स, इतना प्रूफ करना है।
कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला बोलो क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू, वैसे ही कुछ यहाँ भी नज़र आए वैसे, जैसे यहाँ एन प्लस वन इंटू एक्स है ना, यही एन प्लस वन इंटू एक्स यहाँ नज़र आ रहा है, एन प्लस वन इंटू एक्स, फिर एन प्लस टू इंटू एक्स यहाँ पर है, यही एन प्लस टू इंटू एक्स यहाँ पर है। मतलब कि है कि मान लो अगर दिक्कत लगे तो एन प्लस वन इंटू एक्स जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ ए बैठा देंगे, और वैसे ही एन प्लस टू इंटू एक्स ये जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ बी बैठा देंगे। मतलब यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, फिर ऐसे ही एन प्लस वन इंटू एक्स, ए और यहाँ पर बी, और प्लस है ये है, तो प्लस में हम ई वाला टर्म पहले लिखें चाहे ई वाला पहले रहे, कोई भी पहले रहे, हम संभलने के लिए कि ना संभल संभल के लिखें, जरा मतलब ज़्यादा समझ में आवे, तो अगर संभल के लिखना है तो कॉस वाला पहले लिख देते हैं, मतलब लिखते हैं कॉस, और एन प्लस वन इंटू एक्स चाहो तो ए माने तो ए लिख दो ए, और इंटू कॉस एन प्लस टू इंटू एक्स, इसको ऐसे भी बी माने तो लिख दो बी, और प्लस मतलब प्लस में ही फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको पहले लिख रहे हैं कि इसको पहले लिख रहे हैं, बाद में ई वाला लिख देते हैं साइन, और जो भी है एन प्लस वन इंटू एक्स इसके जगह पे ए इंटू साइन, एन प्लस टू इसके जगह पे बी। अभी फार्मूला हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, अगर फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, ए माने ए और माइनस बी माने बी, फिर कॉस को कॉस लिखें और ए किसको माने, यहाँ पर भी हम चाहें ना तो ए इसको मान सकते थे बड़ा है, और ये छोटा है इसको बी मान सकते थे, कैसे हो मानो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कॉस में माइनसो आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे वो क्या हो गया प्लस, इसलिए उल्टा फिर नहीं समझना, जो माने जैसे माने सब ठीक है, लिखना एन प्लस वन इंटू एक्स घटाओ बी माने एन प्लस टू, अभी ब्रैकेट में करके लिख देते हैं इंटू एक्स कॉस, अगर लगता है कि एन गुना करें मतलब एक्स गुना करेंगे तो एक्स गुना कर दो, और नहीं मन करे कि एक्स गुना करेंगे तो कॉमन ले लो, तो जे सही लगे वो करो, गुना कॉमन जो भी मान लो एक्स कॉमन ही लेनी, तो एक्स कॉमन लिए तो बचेगा कितना एन प्लस वन, और वहाँ से माइनस एन माइनस टू, एन प्लस में एन माइनस में कैंसिल, बाकी बचा क्या कॉस, ये तो ऐसे भी एक है और माइनस टू है, एक में से अगर दो घट भी जाता है तो माइनस एक कि नहीं है तो लिखेंगे माइनस एक्स। अब बोले ना कि इसको ए माने चाहे उसको ए माने, अगर ये मानवो किए हैं तो माइनस में आ गया कोई बात नहीं, अगर कॉस में माइनस भी आता है ना तो हम समझ जाएंगे वो प्लस है, क्योंकि है ये है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यही तो साबित करना था कॉस एक्स। यहाँ पर ये वाला ध्यान देना, ये जो लिखे हैं ना डायरेक्ट ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि है ये है सूत्र कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी के फॉर्मूला। ग्यारह नंबर क्वेश्चन नंबर ग्यारह है कॉस थ्री पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स बराबर
साबित करना है माइनस में रूट टू टू साइन एक्स। बन जाएगा देखो ये वाला कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला बताना। देखो अगर समझ में आता है तो ये वाला समझ लो कि ऐसे भी दिखाई दे रहा है ना वो 135 डिग्री, जैसे पाई बाई फोर मैंने कितना 90, हाँ मतलब पाई बाई फोर मैंने 90 थोड़ा होगा 45 और तीन से गुना करो तो 135, तो ये भी 135 डिग्री है। और ये भी इतना समझ में आना चाहिए कि 3π/4 जो बोल रहे हैं ना पाई मैंने 180, चार से भागा दे दो तो 45, मतलब π/4 मैंने 45 डिग्री या तीन से गुना कर दिए तो 100, तो ये 135 है, यहाँ भी 135 है, इतना याद रखना कि 135 है। अब पहले ही निकाल देते हैं, इधर उधर हम दिमाग भटकाए उससे पहले जे लिख देते हैं, कॉस 135 डिग्री के अगर कोई मान पूछे तो बदल देना, कॉस 90 प्लस 45 और कॉस 90 तो खैर बदला जाएगा किसमें साइन 45, और साइन 45 के मान 1/√2, लेकिन बोलो माइनस में काहे लिखते हैं, क्योंकि 135 कौन से क्वाड्रेंट में, 135 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड और सेकेंड इसका घर इसका नहीं है, किसका है उन्हें बता, लेकिन इसका नहीं है, किसी का भी है लेकिन इसका तो नहीं, इसलिए हो जाएगा माइनस में। तो कॉस 135 डिग्री के मान पहले ही लिख दिए जिससे बार बार आपको रटे नहीं पड़े। अब फिलहाल लिखो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, याद रखना कॉस वाला में अगर जब प्लस रहे ना तो यहाँ पे माइनस, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, साइन ए इंटू साइन बी, बेकार में उतना लिखें, वो जो उतना मेहनत किए तो बचवे नहीं करेगा, तो इसको कटने वाला, वो तो कटे वाला, वो तो बच ही नहीं रहा, खैर कोई बात नहीं। एकर फार्मूला बोलो, कॉस ए माइनस बी के फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी या प्लस, अब बोल रहे हैं प्लस या लिख रहे हैं माइनस, देखो ये माइनस के वजह से जानते हैं कि सूत्र प्लस ही होना चाहिए था, तो फिर माइनस का है लिखें, ये जब ये है ना इस माइनस के वजह से माइनस अंदर आ गया, तो कॉस इंटू कॉस बी और प्लस साइन इंटू साइन बी, हम लिखना तो ही चाह रहे थे साइन ए इंटू साइन बी, माइनस मजबूरी में लिखे पड़ा और इसके कारण से, हालांकि बेकार में उतना मेहनत की, तो ऐसा हूँ कट जाएगा, तो यहाँ से बचा और यहाँ से बचा और दोनों सेम चीज़ है, दोनों एकदम एक जैसे ना, अगर ध्यान से देखेंगे जो यहाँ है वही यहाँ है और दोनों माइनस में, तो काम करो लिखो माइनस में दू गो, क्या बच गया साइन 3π/4 इंटू में साइन एक्स, फालतू में इतना मेहनत नहीं गया, कॉस 135 तो बच भी नहीं रहा, वो तो कट गया, ज़रूरत है किसका, हम जानते हैं कि साइन 135 के मान 1/√2 होता है और वो भी प्लस में, कहो तो निकाल देंगे, जैसे ऐसे ही बोल के समझा देते हैं ना, साइन इसको लिखेंगे 90 प्लस 45 और साइन 90 बदला जाएगा किस में कॉस 45 में, और कॉस 45 के मान कितना 1/, चल भाई जेकर ऊपर ऊपर बाउंस करता वो कहाँ जाएगा, ओकरो तो ध्यान में रखना है ना साइन 135 डिग्री, यहू देख लो साइन को बदलो किस में 90 प्लस 45, बोलो किस में बदला गया कॉस 45, प्लस में कि माइनस में, जो भी मान आएगा 1/√2 वो भी किस में, ये प्लस में कहा है लिखें, क्योंकि जिसका मान निकाल रहे हैं 135 डिग्री वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट इसी के घर है, तो ठीक है जिसका घर है उसी का मान भी निकाले तो प्लस में, इसलिए जा प्लस में, हालांकि इसका मान लिखें, ठीक है आप लिख दिए साइन तो बच चले, तो ठीक है वह लिख देते हैं साइन एक्स, ये ढेर देर कहल रहेगा, रूट से ही वाला गया कट तो बचा रूट दो, वो भी कैसन में माइनस में और इंटू में साइन एक्स, यही प्रूफ करना था। बारह तेरह भी देख लो, उसके बाद फार्मूला बदल जाएगा, उसके बाद ये सब फार्मूला नहीं चलेगा, हाँ फिर रहेगा कंपाउंड एंगल लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला आ जाएगा, 13 तक तो ठीक है डायरेक्ट कंपाउंड एंगल लग रहा है।
उसके बाद फार्मूला बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x, इतना साबित करना है। 12 मिला दें, छाप लेना अनुपात में, इसे भी तो यूट्यूब पे पढ़ ले रहा था। इसका पिछला जो 5 गो क्वेश्चन है ना, वो बना तो दिए हैं, खाली अपलोड नहीं किए, तो अपलोड कर देंगे। बनावल 5 अपलोड नहीं किए हैं खाली, देखो ये जा पे देखो सूत्र, साइन ए प्लस बी और गुने में साइन ए माइनस बी, एक फार्मूला होता है, एक दो फार्मूला होता है, दोनों चाहिए, मतलब दोनों याद होना चाहिए। काहे 12 तो बना लोगे, 13वां में दूसरा का फार्मूला लगेगा। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी के सूत्र हम बता देते हैं कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, या तो एक और फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर, लेकिन ए नहीं, कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो जब इतना दिमाग दौड़वे करता है, इतना जब दिमाग चलवे करता है, तेरा उल्टा समझो, जब इतना दिमाग चलाइए रहो तो इसको ऐसे समझो कि एकर फार्मूला बताओ, चल इधर लिखो, एकर फार्मूला बताओ कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फार्मूला क्या होता है, ये बताइए उल्टा। जैसे ई जब कोई बोलिए देगा कि हाँ हम ये जानते हैं, तो फिर रिटर्निंग बोलने में और अलग लगेगा। रिटर्निंग भी कह सकता है कि हाँ हम एकर फार्मूला भी जानता हूँ, और एकर सूत्र होता है साइन ए प्लस बी और इनटू साइन, तो जब ई तू बोलिए दिया है तो फिर एकरा में कहल सर मारा है। मान लो साइन स्क्वायर ए हटाओ, हमारा ए अच्छे नहीं लग रहा, हम लिख देते हैं जहाँ पे 6x, साइन स्क्वायर बी, हमको बी भी अच्छा नहीं लग रहा, बी के जगह आप लिखना चाहते हैं, बताओ एकर फार्मूला। मतलब फार्मूला नहीं है, है तो क्वेश्चन नंबर ही 12, हम खाली इतना समझा रहे थे कि हाँ भाई ई समझ में आ गया, ई आ गया, तो फिर इसमें गौजी है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फार्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 6x माइनस 4x, अब बोलो कितना हो गया, साइन 10x इंटू साइन 2x, नहीं नहीं आया इराम, तो पहले 2x है, अरे तोरा से क्या फर्क पड़ता है, इसको ऐसे लिखो कि साइन 2x पहले, अब बाद में लिखो साइन 10x, साबित तो हो ही गया। एक चीज़ और कि अगर ई वाला आप जानते हैं कितना होता है, तो यही याद रखना, क्योंकि अगला में यही ज़रूरत है, 13वां में एक ज़रूरत पड़ेगा, लिख लो 13वां में ज़रूरत है, ओकर 13 नंबर में इस्तेमाल होगा। और इसीलिए हम क्लास में 10 बार फार्मूला पूछे थे, जैसे अभी रिकॉर्डिंग बंद होगा तो फिर पूछेंगे फार्मूला, क्योंकि बिना फार्मूला के आप कैसे बनाइएगा, बिना सूत्र के बनवे नहीं करेगा, ये रिकॉर्डिंग बंद होगा फिर पूछेंगे हम। 13 तक फार्मूला जो बताए हैं उतने लगेगा, 13 के बाद बदलेगा। जो गायब है
नहीं मिटाते हैं, कर तो जरूरत है, इधर मिटा देते हैं। तो सब अगर केसीसी वाला क्या बोलते हैं केसीसी ना वाला प्रॉब्लम मत देखोगे ना, तब समझ में आएगा कि रियल में मैथ कोचिंग इसमें तो ख़त्म हो गया। 13 सबसे लास्ट हिसाब है कंपाउंड एंगल पे आधारित, सबसे अंतिम है। 13वां है कॉस स्क्वायर 2x माइनस में कॉस स्क्वायर 6x बराबर में साइन 4x इंटू साइन 8x। अच्छा इसमें फार्मूला क्या होता है, ये जो शुरू वाला देख रहे हो ना, ये ए नहीं है, ये बी है और ये वाला ए है, यही तो लिखल है। अगर कॉस स्क्वायर बात जैसे साइन स्क्वायर बात करते हैं तो साइन स्क्वायर ए होता है ना, साइन स्क्वायर बी होता है, लेकिन कॉस में कॉस स्क्वायर बी होता है, बाद में कॉस स्क्वायर ए होता है। तो अगर कॉस स्क्वायर में हम बात करें तो ए यहाँ पर है, इसमें ये है, तो फार्मूला तो वही फिर से नज़र आ गया, लिखेंगे चूँकि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर बी ही लिखना चाहिए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए मतलब ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, तो उसी हिसाब से बतावे जा पर कि यहाँ पर भी वही चीज़ लिखेंगे साइन ए प्लस बी। ए मैंने बताइए ए 2x है या 6x है, तो ए हो गया 6x प्लस बी, बी मतलब तो 2x है और इंटू साइन ए माइनस बी, ए मैंने 6x है और माइनस बी, बी मैंने 2x है। एक काम करो साइन दोनों के जोड़ दो, 8x वहाँ पे साइन दोनों को घटा दीजिए 4x। अब कुछ यही साबित करना था, सिर्फ यही नहीं करना होगा, साइन 4 पहले लिखो साइन 8x बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ख़त्म 13 तक। पहले 1 से 5 तक अपलोड कर देंगे, ओकर प्रीमियर हो जाएगा, तब 6 से लेके 13 तक अपलोड कर देंगे। ये कई क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन, और उसके बाद डायरेक्ट ख़त्म। हाँ ख़त्म, कहाँ है अब 4 क्या किधर है 3.4 इसमें तो नहीं, वो मिसलेनियस है 9 × 10 10 है मिसलेनियस। अच्छा वो भी हम बता देंगे मिसलेनियस भी, इसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा। कहाँ गया किताब, इसका पेज क्या? एक दो पेज गायब है, 75, 76, 77 इसमें जनरल सोलूशन नहीं है, लगता नेका सिलेबस से गायब कर दिया। नया सिलेबस में एनसीईआरटी में जनरल सोलूशन नहीं है, साइन कोसाइन, जब जनरल सोलूशन नहीं है तो साइन कोसाइन कहाँ से होगा। लो त्रिकोण मिति खत्म, ये तो आज ही चाहे तो हम खत्म कर दे, 2500 बस इतनी सुन। केसी सिन्हा वाला त्रिकोण मिति पढ़ते पढ़ते जानते हो पसीना छूट गया था हमार, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था, तो खत्म हो गया त्रिकोण मिति। चलो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, इसके सामने कितना बोले।
इसमें तो 25 ही क्वेश्चन है।